छोटू पंजाब पुलिस की कोई रेस नहीं आ। मुझे बताओ ना 100 रुपए क्यों लिया। तो फिर जवाब दे ना, इतने बौखलाए क्यों हो मेरे भाई? क्यों पहले करते हैं? बात सुनो ना, भाग किधर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में इस धुंध में हम निकले हैं कैमरे लेकर। क्यों? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो नाकों पे जवान खड़े हैं वो किस हालत में खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, लोगों की चेकिंग कैसे कर रहे हैं और मोटरसाइकिलों पर जो आते जाते लोग हैं उनको कैसे चेक किया जा रहा है, उनकी परेशानी क्या है। और उसके बाद जो चौकियाँ, पुलिस चौकियाँ, वहाँ पर उनके क्या हालात हैं, चौकियों में क्या किया जा रहा है, चौकियों में इस वक्त क्या हो रहा है रातों को, ये सब कुछ आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे आगे चलकर। नाज़रीन, थाना कल्चर पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, उसके बाद सेमिनार्स होते हैं कि हम लोगों ने थाना कल्चर तब्दील कर दिया है। बल्कि हमारे जो सीएम साहब हैं और बाकी जो वज़रा हैं वो तो कहते रहते हैं कि भाई थाना कल्चर चेंज हो गया, अब थानों में तब्दीली आ चुकी है, आवाम जो है गरीब आदमी शरीफ इंसान थाने जाने से डरता नहीं, अब जाता है अपना मुकदमा लेकर, अपने अपना जो मसला है वो लेकर जाता है, फ़ौरन FIR हो जाती है। क्या किस हद तक इसमें सच्चाई है? क्या वाकई ही थाना कल्चर चेंज हो चुका है कि क्या वाकई हमारी पुलिस में चेंजिंग आ चुकी है? ये आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमने कुछ तरीका चेंज किया है, वो इसलिए कि हमारे दो नुमाइंदे हैं वो जाएंगे थाने में अपना मसला लेकर। मैंने थाने कल्चर की बात की ना, तो इसलिए हमारे दो नुमाइंदे जाएंगे और अपना मसला बताएंगे, कोई भी कहानी बनाएंगे कि भाई मेरे साथ डकैती हुई है या चोरी होगी या मेरी जेब कट गई है तो मैंने ये एप्लीकेशन देनी है और ये मैंने मुकदमा दर्ज करवाना है, ये मेरी FIR दर्ज करनी है। उसके बाद हमारे नुमाइंदे के साथ क्या होता है, पुलिस कैसा ट्रीट करती है, क्या रवैया अख्तियार करती है हमारे नुमाइंदे के साथ, ये तो आज हम आपको दिखाएंगे स्पाई कैम के ज़रिए। लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात कर लूँ, हमने थाना कल्चर को एक्सपोज करना है, ठीक है? तो आपने कोई भी कहानी बतानी है कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और हम लोगों ने हमारा जो मसला है वो सुना जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए, ये सारा कुछ करना है। ठीक हो गया सर, आप रेडी हो ना? जी मैं रेडी हूँ, बल्कि मैंने तो पैसे भी ले लिए साथ और अच्छा। इस पर अपनी निशानी लगा दी, ये 7 लिख दिया है। अच्छा, ये कुछ पैसे हमने लिए और ये तकरीबन 2000 है और इसके ऊपर हमारे नुमाइंदे ने, आप देख भी रहे हैं दूसरी साइड पर, कि हमारे नुमाइंदे ने इसके ऊपर लिख दिया है, 7 लिखा है इसके ऊपर, हर नोट के ऊपर 7 लिखा है, हर नोट के ऊपर 7 लिखा गया ताकि ये पैसे वो लें और बाद में ये ना कहे कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए और यही पैसे उनसे वापस हम लोग लें, तो हमारी ये निशानी जो है ये इसके ऊपर लिखी हो। अभी हम आगे जाएंगे, सबसे पहले हमने टारगेट किया है यहाँ की सब्ज़ी मंडी चौकी है और ये रावी रोड है, ट्रक स्टैंड भी यहाँ पर मौजूद है, सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी भी यहाँ पर मौजूद है, चौकी लगती है सब्ज़ी मंडी। हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोज करेंगे और वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके के साथ साइलिन से रवैया अख्तियार किया जाता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। दोनों नुमाइंदे हमारे अंदर हैं, उनसे कुछ बातचीत चल रही थी और बातचीत ये चल रही थी, हमारे एक नुमाइंदे ने कहा कि भाई मेरी पॉकेट जो है वो जो है कट गई है और उसमें ये चीज़ें थी, आप ये हमारी दरख्वास्त दें। लेकिन मुसलसल जो मुहर्रर था वो इनको यही कह रहा था कि आप जाएँ
हमने लिख लिया। अभी मजीद अंदर क्या हुआ है चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं ये बच्चे। ये आलू चोर ना, आलू आलू नहीं बोरी है, कट के ना आलू चोर रहे हैं। हाँ जी, ये दोनों बच्चे चोर हैं। दोनों बच्चे चोर हैं। क्या मतलब, कैसे, क्या करते हैं ये? सुबह सुबह 2 बजे। कितने बजे से यहाँ पे बैठे हुए? कब के बैठे हुए? घंटा हुआ। आप? घंटा हुआ। नाम क्या आपका? आपका नाम? अब्दुल्ला। पढ़ते नहीं हो? अब छोड़ दिया, पहले पढ़ते थे। आलू क्यों ले रहे थे यहाँ? आलू उठा रहे थे, खाने थे। किस लिए आलू क्यों इकट्ठे कर रहे थे? बेचने के लिए। आप लेकर आए उनको? क्यों? ये बोरियां काट दें। किस चीज से? ब्लेड इनकी जेब में, निकालो ब्लेड। किधर है ब्लेड? कौन सी इनके पास? मुनीर साहब के पास है। दिखाओ ना, ब्लेड लेकर आओ उधर से। अच्छा, क्या इनका क्या, कैसे काटते हैं ये बोरियां? ये सर, ये कपड़ा है ना, इसको ऐसे जोली बनाते हैं। अच्छा। बोरी को ब्लेड फेरते हैं, जोली में डालते हैं और ले जाते हैं। कितने आलू ये ले जाते होंगे? तकरीबन मेरे ख्याल से 25 किलो उठा के ले जाते हैं, आलू और प्याज। 20-25 किलो ये मासूम बच्चा उठा सर ये ले जाते हैं? छोटे 20-25 किलो ने 10-15 बीस पच्चीस ने कितने 10-15 किलो 10-15 किलो ये ब्लेड है इसके साथ। ये ब्लेड है, इसे क्या करते हैं? ये कैसे करते? ये पकड़ो जरा, कैसे काटते हो बोरी को बेटा? ऐसे काटते हो, उसके बाद क्या करते हो? निकालते हो 10 चोली ला के पूरा सही करके 10 किस तरह बनाते हो उधर? 10 ना चली बना ना पूरी जिस तरह थले लाते हो बोरी दे। कैसे ये आलू कैसे चोरी करते हो? अच्छा, सही पूरा। फिर क्या करते हो? ये करो जरा, इसको ऐसे करो। फिर आप क्या करते हो साथ? आप ब्लेड को कैसे करो? किस तरीके से? ऐसे करो। आप ब्लेड, ये अगर आपको लग जाए हाथ में तो फिर ये तो आप जख्मी हुए 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 हुए। ये इसको लगे हुए हैं बच्चे को, ये ब्लेड लगे हुए हैं। इसके माँ बाप को पूछना चाहिए कि ये क्या मसला, मासूम बच्चे, मुझे खुद को तरस आ रहा है इनको तरफ देख के कि इनकी उम्र पढ़ने की है। इनके माँ बाप को शर्म नहीं आती छोटे छोटे बच्चों को ऐसे भेज देते, जाओ चोरी करके लाओ। ये सर तकरीबन 2-2.5 महीने से मेरा नुकसान हो रहा है डेली, इन्होंने देखना इधर उधर। आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान है फ्रूट मंडी में, सब्ज़ी मंडी में। इनको पकड़ा कैसे? ये सर तकरीबन रोजाना ये काम करते थे, डेली हम जाते, जब जिस वक्त रोटी खाने जाते इनको पता है भी इस आदमी का अड्डा है, ये इसका मालिक है। जब खाना खाने जाता हूँ, घर पे जाता हूँ या किसी पेशाब बाथरूम वगैरह कहीं जाता हूँ, कोई 100 काम होता है, लेना देना किसी का, किसी को नामत पैसे देने, किसी से लेने, जब भी जाते हैं पीछे से आते हैं बोरी देखते हैं, बोरी खाली, ब्लेड फेरते हैं, कुछ ये ले जाते हैं, कुछ जो मंडी में फिरते होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। ये ब्लेड जब बोरी को लगेगा तो आलू सारे गिरेंगे, जितने इनसे उठाए जाएंगे ये ले जाएंगे। क्या रेट चल रहा है आलू? आलू तकरीबन है नवा जो कच्चे छिलके वाला आलू 2.40 रुपए किलो है वो। बेटा जब 10 किलो आलू आप इकट्ठे कर लेते हो फिर क्या करते हो उसको? उसके पैसे लेते हैं। किसे? बेचते हैं। बेचते हो? वहाँ रख के बेचते हो कि किसी आदमी को देते हो? वहाँ रख के बेचते हो। बात बताओ, आपकी मामा ये काम करती है? सर इसकी माँ प्याज बेचती है और आलू बेचती है इस मंडी में, प्याज बेचती है, ये निकाल के लेके आते और इसकी माँ बैठ के वहाँ बेचती है। आपकी अम्मी सब्जी बेचती है? वो जो आलू आप 10 किलो ले जाते हो अम्मी को दे देते? नहीं। तो वो कैसे बेचते हो? वो हम इधर ऐसे बेच देते हैं। कैसे? ऐसे बेच देते हैं। कितने के बिक जाते हैं? ऐसे 200-300 के बेच देते हैं। 200-300 के बिक जाते हैं? कब से ये आलू चोरी कर रहे हो? महीना। ये भाई है आपका? नहीं। कौन है? ये दोस्त है हमारा। दोस्त है? आप कितने आलू इकट्ठे करते हो बेटा? कितने? मैं भी इसके साथ। घर लेके जाते हो पकाने के लिए कि नहीं वहीं पे बेच देते हो? बेच देते हो? कुछ लेकर भी जाते हो। अबू क्या काम करते? अबू नहीं काम नहीं करते। कितने भाई हो आप? 5। बड़ा नहीं है कोई?
नहीं। पैसों का क्या करते हो? घर देते हो। घर देते हो? घर में फिर क्या करते हैं? घर में फिर वो रोटी लाकर खाते हैं। नाज़रीन ये बच्चे के हाथ हैं, आप भी बेटा दिखाओ। ये ब्लेड, इस ब्लेड से, ये साथ ही सब्जी मंडी है और इस ब्लेड से बोरियों को काटते थे और आलू इकट्ठे करते थे 10 किलो। खुद ये बच्चा कह रहा है कि 10 किलो 15 किलो हम लोग इकट्ठे करते थे और फिर उसके पैसे मिलते थे, हम बेचते हैं 300-400 रुपये होता है। फिर हम, ये सब क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। बेटा पढ़ते नहीं हो? वन में पढ़ते थे, अब छोड़ दिए। अम्मी ने कहा ये काम करो, अबू ने कहा? तो फिर क्यों कर रहे हो? अब नहीं करते इसको, कहा छोड़ दो, अब नहीं करते। पुलिस, अभी तो आप जेल जाओगे ना? अब नहीं करते। नहीं, आप अबू को, घर वालों को बताया? बताया। क्या कहते? उसको नहीं पता ये चोरी करते। उनको नहीं पता? उनके घर वालों को नहीं पता? अभी दिक्कत नहीं है। इतला दी आपने? इनसे पूछ रहा हूँ, फ़ोन नंबर बताओ किसी का। अच्छा, कह रहा है नंबर नहीं है। कितनी उम्र है? 8 साल। आपकी? 7 साल। आपकी 8 साल और आपकी 7 साल? सर अभी मैं वो थानेदार साहब के पास बैठा था, उसको यही बात कर रहा था कि इनके घर वालों को तला दें। अभी ये इसके बारे में हो रहा है, इनका क्या करें अभी? नाम क्या आपका जनाब? मोहम्मद सरफराज। सरफराज साहब, ये आपके इलाके में, यहाँ पे फ्रूट मंडी भी है, सब्ज़ी मंडी भी है, और ये जो हो रहा है यहाँ पे ब्लेड मेरे हाथ में, ये तो किसी को लगा वो तो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हाथ में ये ब्लेड्स हैं और ये आलू वगैरह चोरी करते हैं। अभी तो ये पहला केस है हमारे पास, तो ये पहला केस है। अच्छा जी, पहले कभी नहीं ऐसा केस? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कब से बैठे हुए ये बच्चे? तकरीबन 10-15 मिनट पहले आए ना, यही लेके आए ना जी। घंटा हो गया पहले उधर बैठे थे, फिर इधर घंटा हो गया। मेरे पास तो अभी आए हैं। अच्छा। मनीरा में ऐसे के पास है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अब इन बच्चों का क्या करना? पता नहीं, ये तो थानेदार को पता क्या करना है इनको। आप बताए ना, कानून क्या कहता है? एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 7 साल है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से छोटे हैं, इनको समझा कर छोड़ देना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आते हैं, कोई चोरी वगैरह होती है? इधर कहाँ होती है? थाना में। थाना में होती है। तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? हम जो साइल आता है ना बाहर से, ठीक है, उसका जो भी मसला होता है, जिस तरह का होता है, वैसा डील करते हैं। मसलन किसी का कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि गाइड करते हैं कि जाके एप्लीकेशन दे थाने। सिर्फ गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं जी? तो ये हवालात क्यों बनाइए? किधर हवालात? हवालात नहीं है चौक? नहीं, हवालात तो थाना में है। अच्छा, इधर नहीं है हवालात? बच्चों आप भी आओ जरा, आप भी आए, आओ जरा। किधर है इनका तफ्तीशी, किधर है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? आपके पास एक केस चल रहा है, 2 मासूम बच्चे हैं, उनसे ये ब्लेड मिला और वो चोरी वगैरह करते हैं आलू, और ये दोनों बच्चे हैं, क्या होगा इन बच्चों के साथ, अब इनका मुस्तकबिल क्या है? इनका कोई वालदैन का पता कर रहे हैं। अच्छा। कि इनके वालदैन का पता चले कि वालदैन इनके कहाँ पे है, ये मोबाइल नंबर तो बताते नहीं, ड्रेस वगैरह इनका लिया है, ड्रेस पे अभी जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इनके वालदैन कहाँ पे रहते हैं। इनके वालदैन से मालूम करेंगे कि इनको जो छोड़ा है। वालदैन नहीं आएंगे तो ये रात चौकी में रहेंगे, इसको सर्दी लग रही है, कांप रहा है वो। ये हमने प्रोडक्ट
है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अच्छा उनको फिर इनको दे देंगे, उनको इतला हम कर रहे हैं फोन पे, वो गाड़ी आएगी फिर उनको दे देंगे इनको। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन बच्चों के लिए क्या कानून है जब ये बच्चे चोरी करते हैं 8 साल के 7 साल के, और क्या होना चाहिए? ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों को इनके माँ बाप ने जहाँ शुरू से ही जो है ना इधर मंडी में ये काम करते हैं, अच्छा। तो साफ ज़ाहिर है इनके जो वालदैन हैं वो ही इनसे जो पैसे वगैरह गाड़ी देते हैं उनका इनके पीछे हाथ है, जो उन्होंने इनको भेजा है कि ठीक है जाओ बच्चे हैं छोड़ देते हैं लोग पकड़ कर इनको एक चपेट मार दी और इनको छोड़ दिया, लेकिन ये काम मुतवातर इधर ही करते हैं। 7-8 साल एक की उम्र 8 साल है एक की 7 साल है, तो ये कितने अरसे से कर रहे होंगे? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से इधर काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि हम इधर ही काम करते हैं। कानून क्या कहता है? ये इन्होंने चोरी की पकड़ लिया, वो मालिक भी साथ ही है, वो बता रहा है कि मेरे रोज़ाना 25 किलो आलू चोरी हो जाते हैं, तो अब कानून क्या कहता है बच्चों के लिए, कानून क्या है मुनीर भाई ये थोड़ा सा बताएं। बच्चों के लिए आप समझते ही हैं कि बच्चे हैं ये छोटे हैं, 7-8 साल के बच्चों को जो है ना ये हम जेल भी तो नहीं भेज सकते, इनके बड़ों को जो है ना उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो बड़े इनको भेजते हैं इधर काम के लिए कि जाओ ये काम करो, तो ये तो बच्चे हैं मासूम हैं, इनको तो हम कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बुलाया? हाँ उधर उनका भी इतला दिया, उनको फ़ोन कर दिया मैंने मुंशी, मुंशी ने कहा मैंने नहीं किया, आप बताएं। मुंशी मैं ज़रा बाहर गया था, ज़रा ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक निकालने के लिए अभी आया हूँ दोबारा, जब ये लेकर हमारे पास आए हैं तो इनको अभी जो है ना चार प्रोडक्शन वालों को फ़ोन कर देते हैं तो फिर इनको उधर हम शिफ्ट कर देंगे। वैसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए छोटे बच्चे, क्या कहते हैं ये इनको उधर भेजेंगे ना तो इनके वालदैन को जो तकलीफ़ होगी दोबारा इधर आने से उनको मना करेंगे, चाइल्ड प्रोडक्शन से लेंगे उधर कुछ जुर्माना वगैरह भी होता है उनका। फिर करोगे ऐसा? मंडी नहीं आएगी आप जी? आप मंडी नहीं आएगी उधर काम करेंगे? हम नहीं आए मंडी नहीं आएगी हम उधर का नहीं आएगी उधर काम करेंगे। आप क्या कहते हो छोटे छोटे बच्चे? सर क्या करना है इनका, क्या कहते हो इनका कसूर नहीं है? कसूर तो इनका कोई भी नहीं है, कसूर नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ यकीन करके जानो कि खुदा का खौफ खा रहा हूँ इस बच्चे के ऊपर के ये काम रहा। अफसोस और दुख वाली बात है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है, कसूर इन बच्चों का नहीं है। मैं आया था किसी और मकसद के लिए थाने में, इस चौकी में मैं देखना चाहता था कि इस चौकी में सब्ज़ी मंडी की चौकी में क्या हालात हैं, थाना कल्चर क्या कर रहा है यहाँ पे, वो जो नारे लग रहे हैं थाना कल्चर के, और जब साहिल जाता है डरता है, साहिल चौकी थाने जाने से डरता है, वो शरीफ आदमी डरता है कि मेरे साथ कुछ ये मिसबिहेव ना करें, कुछ बदतमीज़ी ना करें, मुझे कोई बिठा ना ले, ये एक डर एक खौफ जो आम शहरियों के जहनों में बैठा हुआ था। मैं ये चेक करने आया था कि हमारे नुमाइंदों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो मासूम बच्चे मुझे मिले और ये दोनों, एक कह रहे मैं 10 किलो आलू और एक कह रहे मैं 15 किलो आलू इकट्ठे करता हूँ और बेच देता हूँ। अब इन बच्चों का कसूर नहीं, अगर मेरे CM साहब हमारे खादम आला साहब ज़रा इन बच्चों को देखें, इनकी हालत देखें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे फरियाद करें, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। कसूर इनका नहीं है, कसूर बड़ों का है। जब मुआशरे में गुर्बत होगी ना तो फिर ये छोटे छोटे बच्चों, इनके हाथ में कलम होनी चाहिए, बस्ता होने चाहिए इनके कंधे पर, लेकिन इनके हाथ में ब्लेड है। ये ब्लेड, ये बच्चे हैं आपके? हाँ जी, ये चोरी आपने सिखाई है? भाई ये चोरी नहीं करते, ये सारा काम चोरी करते हैं। देखे देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये चोरी करते हैं आपके बच्चे? ये देखें भाई, ये बच्चा साथ मेरे साथ काम, ये ब्लेड वो कह रहा है, मैं खुद कह रहा है मैं बोरी को काट रहा है भाई, मेरे साथ प्याज काम रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाते क्यों नहीं हो? भाई स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल है ये, हम स्कूल नहीं जाते। ये नहीं हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा है, ये बच्चा कह रहा है की मैं स्कूल नहीं जाता जाता नहीं जाता बच्चा, जाते हो आप?
अभी कह रहा जाता हूँ, पहले कह रहा था नहीं बल्कि हमारी दो बच्चियाँ और ये चार बेटे जाते हैं, ये काम करते हैं मेरे साथ, ये हमारे हाथ चेक करो, प्याज का खुद काम करते हैं। इनकी जेब में क्यों है ब्लेड, क्यों ये भाग के गया इस बच्चे के साथ, ब्लेड क्यों है? अच्छा मेरी बहन मेरी बात सुने, 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 देखो मेरी बात सुने, ये देखो छोटा छोटा बच्चा, ये मुझे ये बताओ ब्लेड इनके हाथ में, ये बच्चे बाके गया इसके साथ गया है, बाके में आवाज़ें दे रही थी, हमने अपना काम खत्म किया है ना, तो प्याज हम छीलते हैं तोड़े उठा के, ये कुछ आदमी इधर और भी वाकफ है, उन्हें भी पता हम काम करते हैं, पक्का हमारा अड्डा है उधर, हम मेहनत सारा दिन करते हैं, मैं खुद करती हूँ, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, हम इधर प्याज छील के बेचते हैं, हम प्याज आप मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, तो अच्छी बात है मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को तरबियत भी तो देना थोड़ी सी। ये बच्चा कह रहा है, मैं देखो मेरी बात सुने, मेरी अभी इससे बड़ी तफसीलन बात हुई है, हम अंदर बैठे थे, आप अभी आई हैं, ये कह रहा था बच्चा कि मैं 10 किलो आलू इकट्ठे करता हूँ ऐसे ही, ये इधर आओ बेटा इधर आओ, ये कह रहा है कि मैं ये जो रुमाल है ना ये नीचे भी छाता हूँ और ये ब्लेड मारता है, आलू गिरते हैं, हम 10 किलो 15 किलो आलू रोजाना बेचते हैं 300-400 रुपए के, वो बिकते हैं। करता ये नहीं करता, ये बच्चा करता है, इसका अब्बू नशाई है, ये हमारे मोहल्ले का भी नहीं है, ये इनका दोस्त बना और आके ना उधर साथ बैठता है, इनका अब्बू नशा करता है, वो काम नहीं करता। आप इधर आओ, आप इधर आओ सर, ये बताएं जरा, ये बच्चा अभी जब मैंने पकड़ा इनको तो इनको पूछा, इन्होंने बोला भाई हमने तकरीबन 4-5 मरतबा आलू निकाले आपके, वो खुद भी माना है। हाँ जी, तो सर ये बात ये है कि अभी आपके सामने सारी बात इस बच्चे ने की है, आज बच्चा आलू चोरी कर रहा है, इसकी उम्र 15 साल होगी, कोई बड़ी चीज़ उठाएगा, 20 साल की उम्र में बाइक चलाएगा, 25 साल की उम्र में व्हील उठाएगा और उसके बाद पिस्टल रखेगा और लोगों को लूटेगा। देखें देखें मेरी बात सुने, आप एक माँ हैं, देखें मैं मेरी बात सुने, आप एक माँ हैं, आपको फिक्र होनी चाहिए अपने बच्चे की, ये आपका बच्चा है, कल को बड़ा होगा बड़े हाथ बड़े बड़े वारदातों में मुलव्वस हो जाएगा, फिर ये डकैतियां करेगा। बी के साथ था ये बच्चा है ना, ये ना पढ़ता, खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है इसके साथ, तो नहीं बोल रहा मेरी बहन, वो ये भागा, मैंने इसको 70 रुपए खुद अपने पास से दिए खाने के लिए कि तूने इधर काम नहीं करना, घर जाना है, प्याज वाले को प्याज, वो झूठ तो नहीं बोल रहा ना, वो आपका बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा ना, ब्लेड कहाँ से आया, इससे पूछे ब्लेड की तरह, आप जरा पूछे तो सही ना अपने बेटे से, पूछे आप उसकी तरफदारी, मैं क्या तू घर जाना है, किधर गया, प्यार से पूछे ना, प्यार से पूछे। हाँ तेन मैं तुझे स्कूल नहीं पढ़ते, दस ना सपारा नहीं पढ़ते, तुम्हें खर्चा साढ़े को नहीं मिलता, बोल कुछ नहीं मिलता, खर्चा दिता तेन 70 रुपए तो तू घर जाना है, क्या सी ना तू क्या, नहीं मैं बस हूं ही नाल लैके आ रहा सब। बेटा आलू क्या करते थे, एक सेकंड, आलू क्या करते थे, बेचते थे बोरी से निकाल के। हाँ जी बताएं, वो बेच के भाई ये खुद ही बच्चे खा खू के जाते हैं इधर, मैं तो इनको छोड़, एक सेकंड, वो पैसे किसको देते थे पहले, घर देते थे, खाते घर देते थे पहले, वो लाट वाले आदमी बैठाते हैं ना भाई कभी कभी, वो मुझसे खुद लेके जाते हैं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनने मेरी कहते बाजी भेज दो इनको, हम इनको बैठाएंगे इधर, ख्याल करेंगे, बाद में इनको पैसे दे दें या आलू दे दें, ठीक है। आप वाले ने आप इधर आए, आपका बेटा है जी, कल को बड़ा होके डकैत बन जाएगा, तो अच्छी बात है ये, पाने असी प्याज देना सी, बनाया प्याज, प्याज देना सी इन्होंने, असी क्या कहा जाओ खा, मंडी क्यों लेकर आए हो, पाने स्कूलों पढ़ के आंदे ने साडे नाल प्याज छिलांदे ने शाम तक, अगर तुसी साडे नाल चले हो ना किते सी बैठ के छिलने हैं, तुहानू उत्थे 500 बंदा कहेगा, आप काम करते हो, आप काम करती हैं, लेकिन बच्चे को तो ये सब सुनाना, स्कूल टाइम तो बाद विच आंदे, 2:15 छुट्टी हुंदी, 3 बजे साडे कोल, आप आपकी इजाजत के बगैर बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, ते असी प्याज देन चले गए, मंडी में घूम रहे बोरियां, इन्होंने चोरी कह के गई है, खर्चा दिता है, उन्होंने कह के गई के कहा जाए, जाके जाके ट्रैफिक जाम से, ऐसी मोची दवा के प्याज देना सी, वो दे के कहा रहे हैं तो सानू पता लग गया, अब क्या होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बच्चों का ख्याल नहीं करेंगी ना आप, तो कल को बड़े होके ये डाकू बनेंगे, ये मैं आपको बता दूं, डाकू बनाना है तो फिर इनको मंडियों में रखो, अगर डाकू नहीं बनाना तो फिर इनको घर में रखो, क्या कहते हैं? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मंडी में अक्सर ये काम करते हैं बच्चे, पहले भी शिकायतें आती रहती हैं, वो छोटे बच्चों को जो है ना वो ये मसले मसाहिल, ये सब कुछ, ये हालात, ये गुर्बत और मसाहिल हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, और यही बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर बड़े बड़े वारदातों में मुलव्वस होते, तो ये ऐसे ही क्राइम बढ़ता है, जब हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब उसकी माँ जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी माँ उसको बचा रही है, हालांकि उसको घर में बिठाना चाहिए बच्चे को, हम आए थे किसी और मकसद के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। मजीद आगे चलेंगे, चौकियों के जो हालात हैं वो आपको दिखाते हैं।
क्या क्या मामलात है, कैसे मान मांग रहे हैं आप? डील नहीं हुई भाई। कितने मांगे, कितने डील तो अभी नहीं हुई। मांगे कितने भाई? अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या नहीं हुआ? अभी टन नहीं हुआ। अभी डन नहीं हुआ? हाँ जी। होगा डन? नहीं ये पता नहीं। आपको क्या लगता है? बड़ा साहब आएगा तो फिर पता लगेगा डन होगा। हाँ पता नहीं जी हुन हुंदा जी नहीं हुंदा। कहते क्या होगा नहीं होगा? ये नहीं होगा। देखो जी हुन जेल कर देने कितने भेज देने। जेल जाएंगे ना, डन नहीं होगा तो। हाँ जी जेल ही जाएंगे। जावेद साहब मुहर्रम है आप? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी क्या जी? यानी कि गश्त वगैरह। गश्त? आप तो मुहर्रम की सीट पे बैठे। तो वैसे गया है वो रेड करने गया, मैं इधर बैठा हूँ चौकी में, कोई भी नहीं है। ये बाइक्स वगैरह खड़ी है ना कि निगरानी वगैरह। हाँ जी जी। इन्होंने शराब पी हुई है इन्होंने। शराब पी हुई जी? हाँ जी। आपने पी है? जी पी। आपने? जी पी। फंक्शन था उधर बैठे थे, पी लिए हमने। इन्हों के साथ ही मना करे। 15,000 रुपये क्या से सामने दो छाड़ देने के लिए। 15,000 क्या कह रहे हैं? 15,000 रुपये दो तो मेरी मम्मा वगैरह आई है सब, उन्होंने हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पैसे कम है हमारे पास। पैसे भी उन्होंने मांगा, सबसे मांगे, तीनों का 15,000 मांगे। हेलो यार, आपसे पहले ना ये दो लड़के मेरे पास आए। 15,000 क्यों मांगा आपने? मैंने नहीं मांगा भाई। वो कह रहा है 15,000 मांगे। वो जो मर्जी के भाई, वो पकड़ा होगा जो मर्जी के। कह रहे इधर आए मेरे सामने आए। मैं क्यों मांगा? नहीं वो कह रहे 15,000 यार। वो लाख रुपया कहते हैं, मैंने जब मैंने मांगा ही नहीं। मैं पैसे मांगना होता तो मैंने उनके इधर बैठाना था उनको। झूठ बोल रहे? कौन? बिल्कुल वो झूठ बोल रहे। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? कहाँ से हैं सर? 7 न्यूज़ से आए हूँ, प्रोग्राम हिसाब करता हूँ। आपका नाम क्या है? मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। शाहिद सर जी। शाहिद सर? शाहिद। शाहिद कौन से थाने की ड्यूटी है आप? थाना कौन सा है? बात सुने ना, इधर आए। एक मिनट, ये हमारा बंदा है ना, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुने। मेरी बात सुनो ना, एक मिनट, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना। मेरी बात सुने ना सर, मेरी बात सुने। एक मिनट, कैमरा नहीं बंद होगा। एक सेकंड। आपने 100 रुपया क्यों लिया है? ये मेरे भाई से, ये हमारे नुमाइंदे से क्यों लिया 100 रुपया? नहीं सर। अब एक मिनट, आराम से बात करते हैं। बात सुनो ना, भाग किधर रहे हो? एक सेकंड। हेलो, पकड़ो उसको, पुलिस वाला है। जाली पुलिस वाला। पकड़ो इसको यार, इसको पकड़। पकड़ जा रहे तो उसको। किधर गया ये? इधर बैग लेकर आओ, कैमरा इधर आओ। हेलो इधर आओ, उसको पकड़ यार, जा रहे तो इसको पकड़। एक मिनट देखो मेरी बात सुन, मेरा पिस्तौल। एक मिनट इधर आओ, इधर मेरा पिस्तौल। 100 रुपया निकाल इधर, 100 रुपया निकाल, लेकर चल उधर। चलो एक मिनट, 100 रुपया क्यों लिया? 100 रुपया क्यों लिया? नाम पूछा? नहीं लिया। 100 रुपया क्यों लिया बताओ? 100 रुपया क्यों लिया? हमारे नुमाइंदे से 100 रुपया क्यों लिया? कौन सा हमारे नुमाइंदे से 100 रुपया क्यों लिया? वहाँ क्यों रहे हो? क्यों लिया है? किस थाने से हो? थाना कौन सा? इधर जाके कौन से थाने में ड्यूटी है? ड्यूटी कौन से थाने में आपकी? और मेरे भाई आपकी ड्यूटी की कौन से थाने में है? हेलो कौन से थाने में ड्यूटी आप? यार सांस ले लो, कोई बात नहीं, सांस ले लो, सांस लेने दो, सांस लेने दो इसको, सांस लेने दो, सांस लेने दो, लो सांस। थाना कौन सा? थाना कौन सा आपका मेरे भाई?
थाना कौन सा है? इधर आओ, इधर चल नहीं है इधर। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो भाई आपका नाम क्या है? आप उधर आइए, उधर आइए, उधर ही आपका नाम क्या है? पी तो नहीं? तो फिर जवाब दे ना, इतने बौखलाए क्यों हो मेरे भाई? मुझे बताओ ना, 100 रुपये क्यों लिया है? क्यों क्यों लिया आपने 100 रुपया? बताओ आपको पैसे क्यों लिया आपने? अच्छा आपने क्यों लिया पैसे? ये पिस्टल पकड़ो, एक खुद पकड़ने दो इसको, खुद पकड़ने दो। चलो चलो, आपने पैसे क्यों लिए हमारे नुमाइंदे से? अच्छा आ जाओ, आ जाओ, दे दो, आ जाओ, वापस दे दो, बात खत्म, पैसे वापस दे दो, बात खत्म। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका मेरे भाई? मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, नाम बता दो ना। और मेरे भाई नाम बता दो, नाम क्या आपका? थाने कौन सी ड्यूटी है आप? कौन से थाने में ड्यूटी है आप? कुछ बता क्यों नहीं रहे यार हमें? बात करो नाम से मेरे भाई, बात करें ना। पीछे आपका नाम क्या है? कौन से थाने से हो? 100 रुपया दे दो बस, 100 रुपया, 100 रुपया दे दो। अच्छा 100 रुपया दे दो। कहाँ पे रखा है? कहाँ रखा है? चल दे दे, 100 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे। एक मिनट में 100 रुपया दे देता है, दे देता है 100 रुपया, 100 रुपया दे देता है, एक मिनट दे देता है। वो आ जाता है, दे दो दे दो, निकालो आराम से, बस दे दो हमें। किधर है यार? इधर नहीं है, ठहरो। किधर है तो भाई, किधर है नाप के? उधर आ जाए, वहाँ ना हो, उनके पास ना हो, उनको ना दिया हो। कौन सी जेब में रखे हैं ये बता दो, कौन सी जेब में रखे हैं? भागे क्यों थे? भागे क्यों आप? भागे क्यों थे? और मेरे भाई आप भागे क्यों थे बताओ? चलो निकालो 100 रुपया, 100 रुपया निकालो, निकाल दो 100 रुपया, जल्दी करो 100 रुपये निकालो, निकाल दो, निकालो। कहाँ रखा है? इधर 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 इधर, निकालो निकालो, इधर ही दे दो भाई। इसने हमारे नुमाइंदे से 100 रुपया लिया है, आपका इंचार्ज कौन है? आपका इंचार्ज कौन है? नहीं नहीं, आपका इंचार्ज कौन है? कैमरा बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, हमारे हमने भेजा था अपने नुमाइंदे को, हमारे नुमाइंदे से इसने 100 रुपया लिया है। शर्म करो यार, ये हमारा नुमाइंदा है, इसको हमने भेजा। अच्छा इसको उसको वापस दे, पैसे पैसे वापस लेके दे, वापस दे, चलो असी चले जाने। 100 रुपया मेरे को ले लो। नहीं नहीं, वो उसके वो वाला हमारे वाला दे दे उसको, को हमारे वाला 100 रुपया दे दो। ऊपर से भाग रहा है ये। नहीं नहीं, वो निकालो, 100 रुपया निकालो, निकालो भाई, ले लो यार। क्यों लिए इसने 100 रुपया? क्यों लिए हमसे? क्यों लिया 100 रुपया हमारे नुमाइंदे से? क्यों आपको क्या कहता है रोके? हमें रोका था, अगर पूछे हैं। अच्छा सवारी क्यों बैठी है? अच्छा भाई हमसे मोहब्बत कर लो। अच्छा 100 रुपया फाइन होगा आपका, 100 रुपया दे दिया। अच्छा 100 रुपया हमने दे दिए। अच्छा 100 रुपया फाइन होगा। अच्छा आपका नाम क्या है? फरियाद अली। आप सब इंस्पेक्टर ने कहा सही है? नहीं, हम इधर हवालदार ही हैं। हवालदार तो ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये देखें रजाकार है ये, तो ये भी गलत कर रहा है ना, देखो ना ये गलत कर रहा है, गलत। इसका नाम क्या है जी? ये 100 रुपया ये जो हमारे नुमाइंदे ने 100 रुपया दिया है, वो 100 रुपया ये वापस कर रहे हैं। ये पकड़ो, ये 100 रुपया वापस करो। इसको बुलाएं, इसको बुलाएं, इसको बुलाएं, इसको बुलाएं। इधर आओ मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ, आ जाए, इधर आए, इधर आ जाए, आ जाए। और नहीं सर, एक मिनट, एक मिनट, बुलाएं ना सर, ऐसे पूछ तो ले इसने क्यों किया, क्यों है ऐसे 100 रुपया क्यों लिया इसने? अच्छा मेरे भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? कोई नहीं, नहीं तनख्वाह नहीं होती जी। इंचार्ज कौन है आपके नाके का? सर ये देखें सर, ये 100 रुपया ले रहे हैं, गलत है कि नहीं है? एक सेकंड जी, इसको बंद कर। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, देखें आपका नाम क्या है? भाई मेरे पास आपका नाम, मेरे भाई बात, आप मुझे नाम बता दें, मैं ये बंद कर दूंगा। आप मुझे नाम बता दें, इसको बंद कर जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं? बंद करें। अच्छा आप बता दें क्या कहना चाहते हैं? अच्छा एक सेकंड जी, चलो बंद तो कर। ठीक है बंद हो गया, मैंने नीचे कर लिया ना, नीचे कर लिया ना मैंने। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बता देना। कुछ भी नहीं कहना चाहता, आप इसको बंद करें। अच्छा आप कहना क्या चाहते हैं मुझे ये बता देना। कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। इसको फारिग करें इस रजाकार को। ये रजाकार है मेरे, एक मिनट इसको, एक सेकंड भाई जी। आपका नाम? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल भाई, मैंने कहा पहले, मैंने कहा इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं।
इसको फारे करें इस बंदे को, 100-100 रुपया ले रहे हैं यहाँ से लोगों। भाई आप मेरे अगर भाई है ना जी, तो इसको बंद कर दें। अच्छा मेरी एक मिनट, एक रजाकार है इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, अगर उसने कुछ किया है आपको पता धुंध पड़ी, हम इधर खड़े हैं, कॉन्स्टेबल थोड़ा है, रजाकार है, तो मेहरबानी होगी अब मैं आपको यही कहता हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं, बात भी भाई मैं करूँगा, आप भाई आप हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं, छोटे मैम मेरे मोहतरम, बस मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर इसने किया हमें तो पता नहीं, जाहिर है आप कह रहे हैं इसको कोई एक्सक्यूज कर ले, हम चले जाते हैं, मेरे भाई उसको कोई एक्सक्यूज कर ले, सारा कुछ हो जाएगा, बस ठीक है ठीक है। हम खड़े हैं यहाँ पे, देखें आप इनसे कहो कि आप एक्सक्यूज करो, देखो आप हमारे लिए खड़े हो यहाँ पे, ड्यूटी कर रहे हो, घर वालों को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं आप, हमारे लिए खड़े ना, आपने कुछ ने किया ना कुछ, आप सही कह रहे हो। अच्छा उसको बुलाए ना, देखे ना वो नहीं आएगा तो मैं सर यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कसम से नहीं जाऊंगा, अगर वो शख्स नहीं आएगा तो उसे को एक्सक्यूज करो, बस बात खत्म, आप अपनी जुबान में बुला रहे हैं उनको। अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है सर, इनको मना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है सर, 100-100 रुपये अगर लेंगे ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, हम यकीन करो हम इस वजह से चैन की नींद सोते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे भाई नाकों पे खड़े हैं, हमारे भाई चौकियों में बैठे हैं, हमारे भाई थानों में बैठे हुए हैं हमारी रखवाली के लिए, जब हम ही 100-100 रुपया लेंगे तो सर फिर हम कहाँ जाएंगे सर। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे नोटिस में ये होती मैं इंशाल्लाह कभी होने नहीं देता, जो भी है ठीक है, हम हमारे भाई हैं, ये आपका गल है, जो भी है हम आपके साथ होंगे, है नहीं, इसका चलो जो उसने किया तो उसको मार दो। हम लोग क्यों निकले हैं, क्यों निकले कि क्योंकि हमारे जो भाई हैं रातों को जब काम से फारिग होते हैं तो इसी रोड से गुजरते हैं, हमें शिकायत मिली थी इस रोड की, इस नाके की हमें शिकायत मिली थी कि भाई यहाँ पर पुलिस वाले पैसे लेते हैं, हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, हमने कहा नहीं हम जाएंगे अपने नुमाइंदे भेजेंगे उस जगह पर उस नाके पर और ख़ुद चेक करेंगे, और वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमारे नुमाइंदे आए, उनको रोका, तलाशी ली, आप ज़रा मेरी बात सुनेगा, इस साहब की तलाशी ली, ज़्यारत क्या कहता था ये शख्स। हम आए थे यहाँ पे जानपुर की ट्रिपलिंग पे, यहाँ पे ये रोके हैं, जब इन्होंने रोका है कागज मांगे, हालांकि हमारे पास लाइसेंस कागजात हर चीज़ हमें मुकम्मल थी आपके पास, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कागजात नहीं है, मैंने कहा नहीं, कहता फिर आपको फ़ाइन होगा, अच्छा फ़ाइन पे कर दें, कितना, कहता 100 रुपया, मैंने कहा ये ले लो 100 रुपया फ़ाइन कर दें, हाँ फ़ाइन किया उसने, 100 रुपया हमने उनको दे दिया, और अब जैसे भागा है वो, अब दौड़ लगाई है, वो जब हमारी टीम को देखा इन्होंने तो भाग पड़ा, जैसे हमने इनके पीछे कितना भागे पीछे, हालांकि कितना कितना पानी खड़ा उधर उसमें भाग, जैसे ये मेरा भाई बाइक पे जा रहे थे, बाइक पे गए ये लोग, इसी तरह मेरे और भी भाई हैं जो रातों को घर जाते हैं काम से फारिग होने के बाद, उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे बाबा आएंगे, हमारा भाई आएगा काम से, हमारे लिए फल फ्रूट लेकर आएगा, हम लोग खाना खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, लेकिन यहाँ पर रोककर उस नाश्ते के पैसे ले लिए जाते हैं इनसे, उस फ्रूट के पैसे ले लिए जाते हैं जो कि गरीब के बच्चे रातों को बैठकर इंतज़ार करते हैं कि मेरे बाबा आएंगे मेरे लिए फ्रूट लेकर आएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ पर नाके पर लोगों से आपका जो फ्रूट है ना बच्चों, आपका जो फ्रूट है यहाँ पर ले लिया जाता है, आपका नाश्ता यहाँ पर ले लिया जाता है, और वो जो मेहनत मजदूरी जो करता है ना रातों को जब इस धुंध में घर जाता है, और जब खाली हाथ घर जाता है, जब 700-800 रुपये मजदूरी लेकर इस नाके पे रुकते हैं, इसको रोकते हैं, और गन पॉइंट पर, मैं इसको गन पॉइंट कहूँगा, फाइन नहीं था ये डाका था, ये नाका नहीं है ये डाका है, मैं इसको डाका कहूँगा, ये नाका नहीं है, यहाँ पे डाका है, डाका होता है यहाँ पे, डकैती की जाती है और डकैती वर्दियों में होती है, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारे रखवाले हैं, हम बड़ी चैन की नींद सोते हैं रातों को कि भाई ये लोग जाग रहे हैं हमारे लिए नाकों पे खड़े हैं, लेकिन नाकों पे ये कुछ हुआ है, ये कुछ हो रहा है नाकों पे, हमारे बच्चों का नाश्ता, हमारे बच्चों का फ्रूट यहाँ पे ले लिया जाता है, और वो अपने बाबा को जब देखते हैं ना तो दोनों हाथ खाली होते हैं, लेकिन वो बाप वो भाई घर में नहीं बताता कि मेरे साथ रास्ते में क्या हुआ है, मुझसे पैसे किसने लिए, क्योंकि बेइज्जती है, अफसोस, अफसोस का मकाम है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है, ये लम्हा फिक्री हमारे लिए, और तलब बातें हैं, हम जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितने मर्जी रातों को निकल लें, हमने पहले भी ये एक्सपोज किया है, लेकिन ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। सब्ज़ी मंडी की चौकी आपने देखी कि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे
एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 10 साल, और वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे थे। वो खुद बता रहे हैं कि हमारे हाथों में ये ब्लेड है, ये थमा दिया गया, और हम जाते हैं मंडी में चोरी क्या करते हैं, आलू चोरी करते हैं, और वो आलू चोरी करके वो बेचते हैं 200-300 में, फिर जाकर उनका घर का किचन चलता है, घर में उनकी रोटी पकती है। जब वो बच्चे जाते हैं घर में आलू बेच कर, अपनी माँ को पैसे देते हैं कि ये पैसे ले ले, फिर उनका चूल्हा जलता है। ये सिस्टम कहाँ से ख़राब है, ये कब ठीक होगा और कहाँ से इसको ठीक किया जाए, ये सोचने वाली बातें हैं। ये कौन सोचेगा? वो हुक्मरान सोचेंगे जो सुबह ऐवानों के बजाय अदालतों में जा रहे हैं, सुबह सुबह उनकी पेशियाँ होती हैं। क्या वो सोचेंगे? क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो ये सोचें? वो अपना सोचें कि इनका सोचें कि हमारा सोचें? वो किनका सोचें? अच्छा खैर, वो तो बिजी हैं, हुक्मरान बिजी हैं, अपने केसों में बिजी हैं, लेकिन जो DPO हजरात है, जो CCPO, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनके नाम मुंह से बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं इनके नाम मुंह से, वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने तरबियत नहीं दी इन अहलकारों को? कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं कि भाई आपने नाके पे खड़े होकर आपने क्या करना है, कैसे तलाशी लेनी है, क्या करना है? आप नाके शहरियों को परेशान करो। सब्जी मंडी की चौकी से लेकर इस नाके तक का हमारा जो सफ़र है, आपने देखा, हम रातों को लेकर निकले कैमरे कि हम एक्सपोज करेंगे, और ये हुए, और ये शर्तियाँ हुए। मुझे गारंटी थी इस चीज़ की, मुझे एहसास था, मुझे पता था कि ऐसा होगा, पैसे लिए जाएंगे, सिस्टम ख़राब है, थानों का कल्चर नहीं ठीक, जितने मर्जी नारे लगा लो आप, जो मर्जी कर लो, ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। अगर ये सिस्टम ठीक होता तो वो दो मासूम बच्चे उस चौकी में ना बैठे होते और यहाँ पर हमारे नुमाइंदे से 100 रुपया ना लिया जाता। रातों को लगे ये नाके, नाके नाके नहीं डाके, मैं इनको डाके कहूंगा। अभी इनके चेहरे भी धुंध है ना, रात है, अंधेरा है, नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन इनकी हरकतें आपको, आपने महसूस की होगी, आपने देखा होगा कि किस तरीके के साथ इस शख्स ने, इस कांस्टेबल ने, इस अहलकार ने हमारी दौड़े लगवाई। क्योंकि इसके दिल में चोर था, इसने चोरी की, इसने 100 रुपया लिया। अगर इसके दिल में चोर ना होता तो ये भागता ना, और ये माफ़ी ना मांगता, इसका जो सीनियर है वो मुझसे आके इस तरीके के साथ बात ना करता कि भाई जाने दो, बस करो, आपकी मेहरबानी, बस करो, अब ना करो। भाई हम तो बस कर देंगे, लेकिन आप कब बस करोगे? आप कब रोकोगे इनको? आप सीनियर हो, आप इनके यहाँ पे तैनात है, ये सारा हमला आपके अंडर है, आप कब बस करोगे? मुझे उम्मीद है कि ये बस एक दिन बस होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।